सो मेरे साथ एक स्टूडेंट है गुजरात के, आपका नाम बताइए। नीलेश। नीलेश, आप गुजरात में कहाँ से हैं? मैं गुजरात से सूरत। सूरत से हैं, तो आपने एसर टेलीकॉम को इतनी दूर क्यों सिलेक्ट किया मुझे बताइए। नीलेश सर, मैं बहुत सब इंस्टीट्यूट का वीडियो देखता था जी, लेकिन आपका मतलब सब इंस्टीट्यूट का अगर निचोड़ के निकाले तो बेस्ट में बेस्ट मेरे को ये लगा। आपको ये लगा, ऐसा लगा, आपको लगा एक्सपीरियंस इनका ज़्यादा है, हाँ, है ना? यस। तो वो ऑब्वियस है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो एसर टेलीकॉम से सीख कर गए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, ठीक है नीलेश जी, आपका एक सोचना हो सकता था पहले दिन, पर आज तो आखिरी दिन है ना। यस। अब बताओ आपका क्या सोचना है, आज लास्ट डेट है। पहले मैं आईसी निकालना लगाना कर लेता था जी, लेकिन उससे मोबाइल चालू नहीं हो पाता था, है ना, मतलब आपका रिजल्ट नहीं निकलता। हाँ, अभी हाँ। क्या है, उसमें सप्लायर का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो मेरे को यहाँ मिला था। मतलब आपने ऑलरेडी आईसी का काम कर रहे थे, हाँ। पर आप फॉल्ट फाइंडिंग में अटक रहे थे। एमएमसी का काम समझ में आता है, पहले किया था? पहले कभी नहीं किया। अभी एमएमसी का काम कैसा है? कर लेंगे। और ब्लैक टेस्टेड पे सब कर लूँगा, सब कर ले। आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल कर सीपीयू कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने की। एसर टेलीकॉम का सपोर्ट कैसा रहता है पढ़ाने के टाइम पे? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी है। उसके क्लास का मैनेजमेंट कैसा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा, सूरत से एक नया स्टूडेंट यहाँ पर क्यों आया? सर, अगर इस फील्ड में अगर प्रॉपरली काम करना है प्रॉपर वे में, तो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू वेरी मच नीलेश।